हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? दोस्तों, आप सबका हमारी यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लासेज एंड नेचर या एजुकेशन क्लासेज RS आज की वीडियो में मैं आपके लिए जो फिनोल के विरचन की जो विधियाँ थी उसके आगे के जो विधियाँ हैं वो लेके आया हूँ। आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और जो भी आपके कोई समस्याएं हैं वो आप कमेंट्स करके बताएं ताकि मैं आपकी उन समस्याओं का समाधान कर सकूं। क्यूमिन से, देखो क्यूमिन से जो फिनोल बनाने की जो विधि है वो औद्योगिक विधि भी है, औद्योगिक विधि है और साथ में ये नवीनतम विधि भी है, नवीनतम विधि भी है। क्यूमिन से जो फिनोल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो बेंजीन है C6H6 इसकी क्रिया प्रोपीन से करवाई जाती है, CH3CH CH2। प्रोपीन से इसकी क्रिया करवाई जाती है और ये जो क्रिया होती है वो निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में होती है, क्यूमिन प्राप्त होगा। इसका अगर नाम देखें तो आइसोप्रोपिल बेंजीन है, इसका जो नाम है वो आइसोप्रोपिल बेंजीन है। अब जो हमारे पास क्यूमिन प्राप्त हुआ है उस क्यूमिन की क्रिया HBr की उपस्थिति में 150 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ऑक्सीजन से करवाई जाती है, HBr की उपस्थिति में ऑक्सीजन से 150 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर करवाते हैं तो हमें क्यूमिन हाइड्रोपरोक्साइड प्राप्त होगा। ये जो प्राप्त हुआ है ये क्या है, क्यूमिन हाइड्रोपरोक्साइड। अब जो क्यूमिन हाइड्रोपरोक्साइड है वो अम्लीय माध्यम में क्यूमिन हाइड्रोपरोक्साइड है, ये अम्लीय माध्यम में, मतलब ये अम्लीय माध्यम में क्या बना लेगा, फिनोल बना लेगा और साथ में एसीटोन प्राप्त होगा। अब इस संपूर्ण अभिक्रिया को हम फिर से हम देख लेते हैं। देखिए, क्यूमिन से फिनोल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, बेंजीन को प्रोपीन से निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में हम क्रिया करवाते हैं तो क्यूमिन प्राप्त होता है। और ये जो क्यूमिन प्राप्त होता है, क्यूमिन की हम क्या करते हैं, HBr की उपस्थिति में ऑक्सीजन 150 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर हम अभिक्रिया करवाते हैं तो क्यूमिन हाइड्रोपरोक्साइड प्राप्त होगा। और ये क्यूमिन हाइड्रोपरोक्साइड है ये अम्लीय माध्यम में फिनोल में और एसीटोन में बदल जाएगा। तो इस प्रकार जो अभिक्रिया है वो क्यूमिन से फिनोल बनाने की अभिक्रिया है। अब इसके बाद में अगली जो अभिक्रिया है वो है एरिल सल्फोनिक अम्ल से। देखिए, एरिल सल्फोनिक अम्ल का जो सोडियम लवण है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ संघनित करने पर सोडियम फिनोक्साइड प्राप्त होगा। जो फिनोक्साइड है और सोडियम सल्फाइड है इन दोनों का मिश्रण प्राप्त होगा जो अम्लीकृत होकर फिनोल में बदल जाएंगे, जैसे ArSO3Na एरिल सल्फोनिक अम्ल का सोडियम लवण है। इसको क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम क्या करते हैं, इसको संघनित करते हैं। संघनित करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, मतलब सोडियम फिनोक्साइड प्राप्त हुआ है और साथ में सोडियम सल्फाइड का मिश्रण प्राप्त, मतलब इन दोनों का हमें मिश्रण प्राप्त होगा और साथ में कुछ जल के जो अणु हैं वो भी निकल जाएंगे। तो ये जो हमें प्राप्त हुए हैं, देखिए क्या हुआ है, जो एरिल सल्फोनिक अम्ल है इसको NaOH के साथ NaOH के साथ संघनित करते हैं तो सोडियम
फिनोक्साइड और सोडियम सल्फाइट, ये दोनों का मिश्रण प्राप्त होता है। अब जो सोडियम फिनोक्साइड है उसको HCl के साथ क्रिया करवाते हैं या इसका अम्लीकृत करते हैं, इसका क्या करते हैं अम्लीकृत करते हैं, HCl से इसकी क्रिया करवाते हैं तो AROH प्राप्त हो जाएगा, साथ में NaCl का जो विलयन है वो हमें प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार हम एरिल सल्फोनिक अम्ल से फिनोल कैसे प्राप्त होता है।